गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो वेब डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं ये सभी टॉपिक्स। आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको इनका लिंक मिल जाएगा नीचे पिंड कमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, दैट इज डिव एंड स्पैम। क्यों यूज़ होता है, क्या पर्पस है? बेसिकली टैग्स हैं ये, और इनका यूज़ किया जाता है ग्रुपिंग पर्पस से। कैसे? तो देखो, हमने जस्ट क्या किया, एक तो पुराना वाला कोड सारा का सारा हमने बना दिया है कॉमेंट। अभी देखो बॉडी में मैंने क्या लिखा है, दो पैराग्राफ्स लिखे हैं, वो भी लॉरम के थ्रू लिखे हैं, ठीक है, लॉरम 50 एंड लॉरम 10 के थ्रू। नहीं है आपको आइडिया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे आपको एक डमी टेक्स्ट आप अगर चाहते हैं, तो लेट सपोज आप चाहते हैं 50 वर्ड्स उसमें आए, तो आप लिखेंगे लॉरम और उसके बाद लिखेंगे 50 और एंटर, तो आपके पास ये डमी टेक्स्ट आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं। तो अभी अगर मैं इसे देखती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा कॉन्टेंट आ रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ स्टाइलिंग हम लोग करना चाहते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो या तो आप चाहो तो इंडिविजुअली इन पर तीनों पी पर बैकग्राउंड कलर अलग अलग लगा सकते हैं उनका स्टाइल के थ्रू। इसके अलावा हम लोग क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्लास का, क्योंकि हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके हैं। तो हम लोग ऊपर से ही कॉन्टेंट को कॉपी करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर स्टाइल में मैंने ये एक यहाँ पर क्लास बनाई हुई है डिज़ाइन के नेम से, तो वही मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल सी हमने किया और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे, और ये पूरा का पूरा जो जाएगा ना, ये हेड के अंदर जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या किया, हेड के अंदर ये एक क्लास बनाई है। क्लास बेसिकली क्या करती है, रीयूजेबल पर्पज से हम इसको बनाते हैं। एक कोड हमने एक बार लिख दिया है, अब ये जो डिज़ाइन नाम की जो क्लास है, इसका यूज़ मैं बार बार कर सकती हूँ विद दिस पर्टिकुलर फीचर। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप ये टॉपिक पुरानी वीडियो से जाके पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही इसको पढ़ा चुके हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इन पैराग्राफ्स पर ये वाली क्लास को अप्लाई करती हूँ। तो मैं लिखूँगी पी क्लास इज इक्वल्स टू, कौन सी क्लास हम लोग लगा रहे हैं, डिज़ाइन। कंट्रोल एस करती हूँ तो देखिए क्या हमारे पास चेंजेस आ गए हैं, इस पर ये वाला डिज़ाइन अप्लाई हो गया है। ऐसे ही अब ये चीज़ मैं तीनों पैराग्राफ्स पर लगा दूंगी, कंट्रोल सी। देखो ये मेरी चॉइस थी कि मैं तीनों पैराग्राफ्स पर सेम जो फीचर है, जो सेम बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, कलर है, ये मैं अप्लाई करना चाहती थी, ये मेरी चॉइस थी, तो इसलिए मैंने क्लास का यूज़ कर लिया। बट अगर आप चाहते हैं कि तीनों पैराग्राफ्स पर डिफरेंट स्टाइलिंग यूज़ हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आप इसमें कुछ अलग स्टाइलिंग अगर लगाना चाहते थे, तो आप यहाँ पर लिखते पी स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड का कलर दे देंगे। हमने लेट सपोज दिया दिस वन और सेमी कोलन, कंट्रोल एस किया, तो देखिए हमारे पास ऊपर वाले दोनों पैराग्राफ्स में जो हमने क्लास में स्टाइलिंग लगाई थी वो चीज़ यहाँ पर आ गई है, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर चेंज होकर आ गया है। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम डिविजन और स्पैन का कैसे यूज़ करेंगे, ग्रुपिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या है। ये पहले मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ पहले, तो इससे ना समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों पैराग्राफ्स अलग अलग आ रहे हैं ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इतने सेक्शन में आ रहा है, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर ये अलग सेक्शन में आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों पैराग्राफ्स कंबाइन हो जाएं और उन दोनों पैराग्राफ्स पर सेम स्टाइलिंग यूज़ हो, तो वो हम कैसे करेंगे, ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे। तो ग्रुपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DIV, या फिर जिसे हम कहते हैं डिविजन टैग का, डिव टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। और जिन भी पैराग्राफ्स को आप कंबाइन करना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, उनको आप इस टैग के अंदर लिख देते हो। तो देखो डिव मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको क्लोज किया है यहाँ पर। अब ये जो स्टाइलिंग है, अब ये अलग अलग लगाने के बजाय हम यहाँ पर लगाएंगे, डिव पर लगाएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस अब मैंने किया, तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ्स कंबाइन हो गए हैं, बट अभी भी अलग अलग शो हो रहे हैं। दो पैराग्राफ्स हमें दिख रही है ये चीज़, और दोनों पर ही सेम स्टाइलिंग यूज़ हो गई है। तो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है डिव का। अब ऐसा नहीं है केवल कि आप पैराग्राफ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हेडिंग्स लिख रहे हैं, आप इमेजेस लगा रहे हैं, कुछ भी आप स्टाइलिंग लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आप डिविजन टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, एक हेडिंग मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, देखो H1, कंट्रोल S किया,
तो ये देखिए, ये हेलो गाइज, ये जो हेडिंग है ये भी इसी ग्रुपिंग का पार्ट बन गया है क्योंकि हमने इसको डिवीजन टैग के अंदर लिखा है। अब डिव के साथ देखिए मैंने क्लास का यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा डिव इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये एक्वामैरिन आए, और सेमीकोलन कंट्रोल एस हमने किया। तो ये देखिए अभी भी तीनों पैराग्राफ्स, सॉरी दोनों पैराग्राफ्स एंड दिस हेडिंग कंबाइन है, ग्रुप में है, और उन पर जो अब ये स्टाइलिंग यूज़ हुई है वो बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग हो गई है जो आपने यहाँ पर मेंशन किया। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिव में मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली डिव टैग का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ग्रुपिंग के लिए। आपने अगर पैराग्राफ लिखा है, हेडिंग लिखा है, इमेज लिखा है, उस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंबाइनली आप कुछ पैराग्राफ्स पर सेम जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर सकें, तो उस केस में आप डिव टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्पैन की बात करते हैं। स्पैन का यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा है, अब इस पैराग्राफ में आप केवल इस वाले जो वर्ड है इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं? आप इसको बोल्ड कर सकते थे, इटैलिक कर सकते थे, अंडरलाइन कर सकते थे यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस टैग का यूज़ करके, बट स्टाइलिंग कैसे चेंज करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड की या फिर केवल दो पर्टिकुलर वर्ड्स की, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पैन टैग का। कैसे, हम लोग लिखेंगे स्पैन और इसमें अब हम लोग मेंशन करेंगे कि आप क्या स्टाइल चाहते हो इसका, इन दो वर्ड्स का आप क्या स्टाइल चाहते हो। तो हमने लिखा स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर कोलन ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का सिर्फ जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। आ गया, ये है सेमी कोलन और ब्रैकेट में ये जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये स्पैन यहाँ पर बंद हो गया है। ठीक, अब स्पैन टैग आपने स्टार्ट किया, अब इसे क्लोज कहाँ पर करेंगे, आप ये चाहते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए, तो हमने इसको यहाँ पर क्लोज किया। ये देखा आपने, स्पैन टैग को हमने स्टार्ट कहाँ किया, यहाँ से, और क्लोज कहाँ किया है, उन दो वर्ड्स के बाद जिनका हम स्टाइल चेंज करना चाहते थे। कंट्रोल एस किया हमने, तो देखिए क्या लिखा है, फेसर एटी के यू, जो भी लिखा है, देखो ये फेसर एटी के यू, ये इसका स्टाइल यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप केवल किसी पैराग्राफ में दो वर्ड्स का या पर्टिकुलर किसी लाइन का आप स्टाइल चेंज करना चाहते थे तो वो पॉसिबल नहीं था, किसके थ्रू, बाकी किसी टैग के थ्रू, बट स्पैन के थ्रू इट्स पॉसिबल। ठीक, इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दी है, आप यहाँ पर क्लास का नेम भी दे सकते हैं, क्लास या आईडी जो भी आपने क्रिएट की हुई है। क्लास इज इक्वल्स टू, आपके पास कौन सी क्लास है, हमारे पास डिज़ाइन क्लास है, तो उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिज़ाइन क्लास के अकॉर्डिंग जो कलर आएगा वो एक्वा ही आएगा क्योंकि इसका एक्वा कलर था, और अभी भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर में सबमरीन है। चलो कंट्रोल एस करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास क्या आउटपुट में आया है, फेसर एटीक्यू। ये अच्छा, आपको एक कन्फ्यूजन होगा ये इतना बड़ा सा ब्रैकेट बन के क्यों आया, क्योंकि हमने पैडिंग यहाँ पर यूज़ की थी, पैडिंग 20 पिक्सल्स की यूज़ की थी, और इसके अलावा जो फॉन्ट कलर था वो हम ब्राउन चाहते थे, तो इसलिए इसका जो कलर है और ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल एस अप करती हूँ। तो अब देखो केवल फेसर एटीक्यू जो भी लिखा है, मुझे नहीं पता है ये क्या प्रोनंसिएशन है, कौन सी लैंग्वेज है ये। तो देखो भाई, इस इन दो वर्ड्स का हमारे पास जो स्टाइलिंग था वो चेंज हो गया है। अब किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ये क्लास के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर आपने अपने प्रोग्राम में आईडी बनाई हुई है उसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पर डिव और स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिव एंड स्पैन टैग का यूज़ समझ में आया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि डिव और स्पैन में से कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है एंड कौन सा इनलाइन एलिमेंट है। ऑल्दो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बट आप मुझे विद रीज़न बताओगे कि क्यों डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है, एंड जो स्पैन है वो क्यों ब्लॉक एलिमेंट है एंड इनलाइन एलिमेंट है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचता है, एंटिटीज़। एंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके HTML कोड में। एंटिटीज़ का बेसिकली यूज़ किया जाता है जो भी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं उनका यूज़ अगर आप अपने HTML कोड में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहां से आपको ये सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, एम्परसेंट हो गया, एंड हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, एट द रेट, इस तरह के ये जितने भी सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं, इनका यूज़ अगर आप अपने HTML कोड में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंटिटीज़ का यूज़ करना होता है। क्यों,
जैसे आप मान लीजिए कि आप लेस देन का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने इसका यूज़ किया तो यहाँ पर ब्राउज़र कंफ्यूज हो सकता है कि यू आर क्लोजिंग अ टैग या फिर आप यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर देन साइन का, right? तो इसीलिए एचटीएमएल में यूज़ किया जाता है एंटिटीज़ का इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑल दीज स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर रिजर्व कैरेक्टर्स. कैसे यूज़ करना है इनका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, हेलो माई नेम इज़, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ दिस वन डॉलर. तो डॉलर के लिए देखिए यहाँ पर थ्री कोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. इसको हम लोग बोलते हैं जो सबसे ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं एंटिटी नेम. हमेशा एंटिटी नेम स्टार्ट होगा एंड से और जो एंड होता है वो होता है सेमी कोलन से, ध्यान रखिएगा. और ये जो दो नीचे दिए हुए हैं ये हैं इनके कोड्स, एंटिटी कोड्स जिनको हम लोग कहते हैं. आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको याद रहे वो आप इनका यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने एंटिटी नेम यूज़ किया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इसे और सेमी कोलन से हमेशा ये एंड होगा. कंट्रोल एस मैंने किया तो देखिए मेरे पास आ गया है हेलो माय नेम इज डॉलर. मान लीजिए आपको कुछ इन कैरेक्टर्स में अपना नेम प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, जैसे मैं चाहती हूँ दीपाली प्रिंट करवाना, तो मैं यहाँ से प्रिंट करवाऊंगी. तो माय नेम इज दिस, ई के लिए हम लोग लिखेंगे दिस वन, दीपी, कंट्रोल एस किया हमने, तो देखिए हमारे पास आ गया है हेलो माय नेम इज़ दीपाली. तो इस तरीके से आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में वेबसाइट पर, तो आप जो है इन एंटिटीज़ का यूज़ करेंगे. इसी तरीके से अगर आप स्माइलीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, कुछ इमोजीज़ जिसे हम कहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो इमोजीज़ के लिए आपके पास देखिए ये आ गया इमोजीज़ एचटीएमएल एंटिटीज़. तो आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पर जैसे कि लिस्ट मिल जाएगी, ये देखिए हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड्स भी आ रहे हैं और कोड्स भी आ रहे हैं सिंपल एचटीएमएल कोड्स. तो यहाँ से मैंने कंट्रोल सी इसको किया, तो यहाँ पर देखिए जस्ट मैंने इस कोड को पेस्ट किया और ये देखिए हेलो माय नेम इज़ दीपाली एंड स्माइली. तो इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं इमोजीज़ का एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का अपनी वेबसाइट पर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है HTML. HTML के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी यहाँ पर कवर हो चुके हैं. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ रहता है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब CSS फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टे ट्यून्ड.